आप में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं किसी भी नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से सीखता हूँ। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मेरे सामने आती है तो उसे सीखने और समझने का मेरा क्या अप्रोच रहता है? क्या मैंने सब कुछ कॉलेज से सीखा? नहीं। क्या मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से सीखा? एब्सोल्युटली नहीं। ऐसी बहुत सारी अदर रिसोर्सेज हैं जिससे मैं एक नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इस पूरी प्रोसेस में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद आई पर्सनली फील कि मैंने कुछ बना दिए सेट ऑफ स्टेप्स जो कि मैं फॉलो करता हूँ इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। और आज वही सेट ऑफ स्टेप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अब ये स्टेप्स काम क्यों करती हैं? ये स्टेप्स काम इसलिए करती हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था जब रिसोर्सेज किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। इनफैक्ट कभी भी यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन कोई वीडियो किसी रिसोर्स को समझाते हुए मिल गया तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया। बट आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी की मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल वीडियोज हैं। इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज की भी बात करूं तो मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज हैं। और आज की तारीख में ये डिसाइड करना एक प्रॉब्लम बन जाती है कि कौन सी रिसोर्सेज सीखें, ना कि ये फाइंड आउट करना कि क्या कोई रिसोर्स टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मौजूद भी है कि नहीं। इसकी एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोगों का एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। आप सोचते हो यार क्या करूं, कैसे करूं, चार कोर्सेज सामने, चारों की रीडिंग अच्छी है, कौन सा इसमें से सीखूं। अगर किताब की बात आती है तो चार किताब आपके सामने या 10 किताब आपके सामने, कौन सी इसमें से सीखूं। उसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और वीडियोज के साथ और बुक्स के साथ ये है कि जब आप देखते हो एक बुक को तो हो सकता है वो लिखी गई हो 10 साल पहले और आपको ये बात मालूम ना हो। हो सकता है एक वीडियो अपलोड तो अभी हुआ है लेकिन वो रिकॉर्ड किया गया हो आज से 10-15 साल पहले और उस टाइम पर एकदम स्टैक डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड स्टूडियो की अगर हम बात करें तो इतने सारे मेथड्स डुप्लीकेट हुए हैं ना। अगर एंड्रॉइड एसडीके की बात की जाए तो आप थक जाओगे देखते देखते कि किस तरह से कौन से मेथड की जगह कौन सा यूज करना है मॉडर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए। एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको लगेगा कि यार आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है बट एक्चुअली में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अगर इतनी मोटी बुक या फिर 50-60 घंटे का एक कोर्स आप लोगों को बहुत ही स्लोली जिसमें पढ़ाया जा रहा है वो दे दिया जाए तो शायद वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट ना हो। वो अच्छा तो हो बट आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट ना हो क्योंकि शायद आपके पास सिर्फ एक सेमेस्टर है, 2 महीने हैं, एग्जाम में 2 हफ्ते रह गए और आपको पूरा का पूरा टॉपिक सीखना है। तो ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी सीखने का मेरा क्या अप्रोच रहता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप जीरो मेरा है टेक नोट्स। ये बहुत सिंपल सी बात, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आप लोग नोट्स नहीं लोगे आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे याद रही, ये चीज़ मैंने दिमाग में बैठा ली है। बट बिलीव मी आज से 6 महीने के बाद आप उसको भूलने वाले हो। 6 महीना तो बहुत लंबा टाइम बोल दिया मैंने, 2 महीने में ही जो है आप धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे और आप लोग सोचोगे काश नोट्स ले लिए होते। उसके बाद बहुत सारे लोग तो सोचते नहीं कि काश नोट्स ले लिए होते, वो ये सोचते हैं कि यार मैंने नोट्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये था, क्योंकि मेरे पास पेन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था। तो इन सारे बहानों को साइड में रखते हुए अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स लेना शुरू करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगी। अब स्टेप 1 की बात करता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है क्विक स्टार्ट गाइड्स। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ले लो, जेंगो को ले लो, एक्सप्रेस को ले लो, आप बूटस्ट्रैप को ले लो, आप टेलविंड को ले लो, किसी को भी आप ले लो, सबकी वेबसाइट पर क्विक स्टार्ट गाइड्स मौजूद है और वो क्विक स्टार्ट गाइड्स आपको जल्दी से स्टार्ट करने में मदद कराती है। आप सिंपली क्विक स्टार्ट गाइड को पढ़ते हैं एंड बूम, थोड़ा सा कोड लिखने के बाद आप उस टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करना सीख गए, आपके सामने एक बहुत ही बेसिक यूज उस टेक्नोलॉजी का रख दिया जाता है। मेरे हिसाब से क्विक स्टार्ट गाइड्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी क्योंकि आपके सामने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर रखी जाती है और वो टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करना है एक बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि HTML, CSS, JavaScript मौजूद है ऑलरेडी, PHP मौजूद है ऑलरेडी, तो Django को यूज़ क्यों करें, क्यों हम लोग Python को एज अ बैकएंड यूज़ करें। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से आंसर हो जाते हैं। क्या कन्वीनियंस एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, इसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो क्विक स्टार्ट गाइड इसीलिए मेरी स्टेप 1 रहती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे एक मिनट, क्विक स्टार्ट गाइड को मैंने फॉलो किया उसके बाद भी मेरा ये एरर आ रहा है, मेरा वो एरर आ रहा है, मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वैसे हो गया। अगर आप उन लोगों में से हैं तो वरी नॉट, आपको सिंपली एक गूगल सर्च करना है उस एरर को लेकर। और अगर उस एरर को लेकर भी आपका गूगल सर्च आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको वापस बेसिक्स पर जाना चाहिए। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखें। आप अगर कंप्यूटर को यूज़ करना रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको
कंप्यूटर को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, बेसिक प्रोग्राम्स बनाए। इसीलिए कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर किस तरह से काम करता है ये बहुत अच्छी तरह से सिखा देती है। और बहुत ही जल्दी आप लोग वापस आ पाओगे इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने पर, और आपकी क्विक स्टार्ट गाइड आप लोगों को हेल्प ज़रूर प्रदान करेगी। आप अपने दोस्त की मदद लें, आप अपने प्रोफेसर की मदद लें, आप अपने आसपास सीनियर्स की मदद लें, किसी की मदद लें और अपने एरर को फिलहाल के लिए किसी से भी यार सॉल्व करवाएं। अब इसके बाद मैं अपने स्टेप टू की बात करता हूं। मेरा स्टेप टू रहता है गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग एंड गेट थिंग्स रनिंग। जल्दी से चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ सामने आपके होना चाहिए। अगर मैं जेंगो की बात करूं तो एक वेब पेज तो मेरे सामने कम से कम होना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब विद इन वन आवर, एक घंटे से ज़्यादा मुझे करने में नहीं लगना चाहिए। अगर मैं जेंगो की ऐप बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तो एक क्विक स्टार्ट वाला जो पेज होता है जो कि हमारे ब्राउजर में खुलता है वो मुझे देखने को मिल जाए। अगर मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं तो कम से कम एक बेसिक सर्वर तो मैं स्टार्ट कर ही लूं। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट जेएस यूज कर रहा हूं तो कम से कम एक एंड पॉइंट तो मैं यहां पर बना ही दूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये आपको सबकॉन्शियसली एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है तो बिलीव मी आपको मिलता है। आपको शायद पता नहीं होता है, उतना रियलाइज नहीं होता, बट आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है थ्रू आउट द टाइम जब आप इस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को लर्न कर रहे हो। बिलीव मी, ये आपके अंदर जो एंथुजियाज्म देता है और आगे आने वाले कुछ और फीचर्स इस फ्रेमवर्क के सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वीडियो देख लूँगा, जब हैरी भाई ने कोड लिख रखा है या फिर किसी और इंस्ट्रक्टर ने कोड लिख रखा है वीडियो में, तो क्यों ना मैं उस वीडियो को वॉच कर लूँ, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो फ्रेमवर्क है वो इतना ज़्यादा अपडेट हो गया हो आज की तारीख में कि वो जो कोड लिखा गया था जिस वर्जन पे वो आज के वर्जन पर रेलेवेंट हो ही ना। तो आप जब तक चोट नहीं खाएंगे, जब तक आप लोग एरर्स नहीं खाएंगे, वार्निंग्स आपको नहीं मिलेंगी, जब तक आपके 3, 4, 5, 8 गूगल सर्च नहीं लगेंगे, तब तक आप सीखोगे तो नहीं। तो इसलिए अपने हाथ से कोड लिखो, और अगर आप लकी हो और आपके पास एक बहुत ही लेटेस्ट ट्यूटोरियल है देन उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करके और खुद से कोड लिखना चाहिए, आपको टाइम फिर तो एनीवे वैसे भी नहीं लगेगा। तो वीडियोस, बुक्स, कोर्सेज, ब्लॉग्स पुराने हो सकते हैं, आउटडेटेड हो सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपने आप कोड लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप गलत हैं या फिर जो गाइड आप फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, ये समझ में आपको आ जाता है। गाइड गलत तो नहीं होगी लेकिन आउटडेटेड हो सकती है, तो आपके सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर रहती है। इसके बाद मेरी स्टेप 3 रहती है लुक फॉर अ गुड कोर्स ऑन यूट्यूब या फिर कहीं पर और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। एक अच्छा कोर्स आपके सामने अगर होगा तो आपको वो चीजें सीखने में आसानी मिल जाएंगी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोर्स सब कुछ कवर नहीं करता है और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कोर्स से कि वो सब कुछ कवर करेगा, लेकिन वो आपको वो मार्गदर्शन दिखा देता है जो कि आप लोगों को शायद कोई बुक नहीं दिखा सकती। शायद आप खुद कोडिंग करने बैठे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और क्विक स्टार्ट को देखकर वो आपको नहीं दिखा सकता। तो मेरे हिसाब से वीडियो कोर्सेज अमेजिंग होते हैं। इसके बाद जो क्विक स्टार्ट आप लोगों ने यूज करके एक सर्वर बनाया है या फिर एक वेब पेज बनाया या कुछ भी बनाया, वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, उसको कोई यूज नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप एक प्रोजेक्ट बनाए। मैं पर्सनली एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वो प्रोजेक्ट एक बहुत ही स्टैटिक वेबसाइट हो सकती है बेसिक वाली, और बहुत ही बेसिक वाली पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, बहुत ही बेसिक वाली एक ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो कि शायद टेक्स्ट को एनालाइज करके उसमें से पंक्चुएशंस को रिमूव करे, उसको कैपिटलाइज करे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें टेक्स्ट पर की जा सकती हैं। बट द पॉइंट इज कि आप एक बहुत ही बेसिक सिंपल वाली यूजेबल यूटिलिटी बनाएं जो कि आप अगर अपने दोस्तों को या फिर अपने किसी भी जानने वाले को दिखाएं तो आप उसको ये कह सकें कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो ये करता है, एंड दैट शुड मेक सम सेंस, कुछ सेंस बनाए। दोबारा से रिपीट करूंगा, एक कोर्स कभी भी आप लोगों को किसी भी एक टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ नहीं बताएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक कोर्स आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर देगा और उससे फिर आप लोग जैसे जैसे उसको देखकर प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों की दिमाग की खिड़कियां खुलती रहेंगी और आप फ्यूचर में उस फ्रेमवर्क को या उस लाइब्रेरी को और अच्छा जानेंगे। जितना आप यूज करेंगे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को उतना ज्यादा उसके बारे में आप जानेंगे, फिर चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फ्रेमवर्क हो, लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो। इसके बाद स्टेप 4 मेरे लिए होती है कि मैं अपने लिए एक रीडिंग मटेरियल और रेफरेंस मटेरियल रखता हूँ। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल मायनों में मतलब यह है कि मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने क्विक स्टार्ट गाइड को देख लिया, मैंने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया बहुत ही सिंपल सा। अब अगर मैं फंसूंगा या फिर मैं नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करूंगा, एक मेथड के बारे में और जानना चाहूंगा, तो वो मैं कहां से जानूंगा?
तो वो डॉक्यूमेंटेशन होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। बट कभी कभी अगर उस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के ऑथर ने एक बुक लिखी हुई है, या हो सकता है ऑफिशियल साइट पर कुछ वीडियोस हो, या ऑफिशियल साइट पर एक अच्छा रीडिंग मटेरियल हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो PDF हो, डॉक हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट पर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग हो, किसी भी तरीके से वो रीडिंग मटेरियल हो सकता है, आपको अपना रीडिंग मटेरियल ढूंढना है, उसको बुकमार्क करना है और उसको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पढ़ते रहना है जैसे जैसे आप उस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो। अब इसके बाद आती है स्टेप 5, जो कि आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी। स्टेप 1-4, इनफैक्ट स्टेप 0 भी आपको इतना नहीं सिखाएगी जितना आपको ये स्टेप 5 सिखाएगी। और स्टेप 5 है कि आपको एक जंबो प्रोजेक्ट बनाना है, एक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसको देखकर लोग कम से कम वाओ बोलें, या फिर आपको इतना गर्व हो उस प्रोजेक्ट को बनाने का कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने किसी भी सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के तौर पर उस प्रोजेक्ट को सबमिट करें, एक बढ़िया यूजेबल चीज़ बनाएं जो कि शायद कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है किसी के भी। तो इस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा, शायद आप उस प्रोडक्ट को मोनेटाइज भी कर पाएं, देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज़। तो वो आपको करना है और करते रहना है, आपको रिपीट करना है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया का मतलब ये नहीं आप दूसरा नहीं बनाओगे, का मतलब ये नहीं कि आप तीसरा नहीं बनाओगे, का मतलब ये नहीं कि आप चौथा नहीं बनाओगे। आप बनाते रहोगे जब तक आप उस लाइब्रेरी फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, और आप करते रहोगे और एक टाइम पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा मास्टर कर लिया है कि आप प्रो हो। अब आंसर करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये स्टेप्स इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी है, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है टेक्नोलॉजी को सीखने का। देखो यार, सीखने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, दीज वर सम ऑफ द स्टेप्स जो कि मैंने अपनाई अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है कि यार आने वाली किसी भी फ्रेमवर्क को अगर मैं सीखूंगा तो यही स्टेप्स फॉलो करूंगा। और क्योंकि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इतनी सक्सेस मिली है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी या किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आए कि यार अगर मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा तो काफी अच्छी तरह से किसी भी नई चीज को सीख सकता हूं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।